सबसे पहले तो आपको दिल से मुबारकबाद माँ बनने के लिए। एक नई जिंदगी को जन्म देना इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा होता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि इस टाइम आप मुसीबत में हैं और सबसे बड़ी चिंता तो आपको इस बात की हो रही होगी कि कहीं आपको दोबारा से हॉस्पिटल में ना जाना पड़े या दोबारा से टाके ना लगवाने पड़े। समझ सकता हूँ इस बात को। लेकिन इस टाइम पर आपको घबराना नहीं है। आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आपकी तरह काफ़ी सारी महिलाएं हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो चुकी हैं और जो इस टाइम पर एकदम नॉर्मल हैं। तो इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इनफैक्ट हम तो ऐसी स्थिति अगर किसी महिला के साथ होती है तो हम यूजली तो उनको बोलते हैं कि एकदम रिलैक्स रहो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर आप बोलोगे कि सर इतनी बड़ी बात को आप नॉर्मल बता रहे हो, टेंशन ना लो, ऐसा कह रहे हो, वो कैसे हो सकता है। बताता हूँ, पहले रिलैक्स तो हो जाओ। देखो जब नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो टांके लगाए जाते हैं वो एक खास टाइप के धागे से हम लोग टांके लगाते हैं। ये जो धागा है इसकी स्पेशलिटी पता है क्या होती है, ये अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अब जो हिस्सा घुलता नहीं है वो शरीर से बाहर आ जाता है। अब ये जो शरीर से हिस्सा बाहर आया है इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये खुल गया है या ये टूट गया है, ये आना एकदम नॉर्मल है। और इस परिस्थिति में अगर आप ये भी सोच रही हैं कि अगर आप वॉशरूम में जाएंगी या आप बैठेंगी तो ये टाके टूट जाएंगे या खुल जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। इतनी टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि डिलीवरी के बाद जो आपके डॉक्टर ने आपको टाके लगाए हैं वो तीन परतों में लगाए हैं, पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत। इन तीनों परतों पे अलग अलग तरह से टाके लगाए जाते हैं जिससे इन टाकों के खुलने या टूटने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। हालांकि जिन भी महिलाओं का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है या जिनमें खून की कमी है या फिर टांके लगाते समय कोई टांका अगर लूज रह जाता है तो टांका खुल सकता है या टूट सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके मन में कुछ गलत धारणाएं बैठ जाती हैं, जैसे ज़्यादा पानी पियेंगे तो पेट बाहर आ जाएगा, बॉडी वेट बढ़ जाएगा। अब ऐसी महिलाएं जब पानी कम पीती हैं तो उनके पेशाब में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अब अगर पेशाब में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा तो फिर प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है जिससे टांके पक सकते हैं और फिर ये टांके पककर टूट सकते हैं या खुल सकते हैं। इसी प्रकार कुछ महिलाओं को लगता है कि ज़्यादा खाना खाने से पेट बाहर आ जाएगा, फिर ये महिलाएं जब खाना कम खाती हैं तब उनको कब्जियत की दिक्कत हो जाती है, इम्यूनिटी भी लो हो जाती है। अब अगर इम्यूनिटी लो होगी तो टाके पक जाएंगे और अगर कब्जी होगी तो स्टूल पास करते समय आपको जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जोर ज़्यादा लगाने से डायरेक्ट असर टाकों पर पड़ता है जिससे टाके टूट सकते हैं या फिर खुल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? सबसे पहले तो इन गलत धारणाओं को दूर करो, फिर जो आपके डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करी हैं उनको टाइम टू टाइम लेते रहो। आयरन कैल्शियम को लेना मत भूलना इस टाइम पर। अगर आप इन सभी बातों को अच्छे से फॉलो करती हैं तो फिर क्या होगा पता है? आपके ये जो टांके हैं ये लगभग 10 दिन के आसपास शरीर से बाहर आ सकती हैं। ये वो टांके हैं जो घुले नहीं हैं, जिसे आपका शरीर बाहर निकाल रहा है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये इस बात की निशानी है कि आपके टाके भरने शुरू हो गए हैं और आप ठीक हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये टाके 5वें दिन से पहले पहले शरीर से बाहर आ रहे हैं तो ये इस बात की निशानी है कि टाके या तो टूट गए हैं या फिर ये खुल गए हैं, जिसे आप कुछ बातों से भी पता कर सकते हैं कि ये टाके टूटे हैं या खुले हैं। जैसे कि अगर आपका एकदम से ब्लीडिंग का फ्लो इंक्रीज हो गया है या फिर आपको अंदर से जलन महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है या फिर अंदर से कोई चीज़ चुभ रही है या फिर आपको लग रहा है कि अंदर कोई चीज़ रड़क रही है, तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि शायद कोई टाका है वो खुल गया है या फिर वो टूट गया है। अगर ऐसा होता है तो आपको टाइम ख़राब नहीं करना है, आपको इमिडिएटली अपने डॉक्टर के पास विजिट करना ही पड़ेगा क्योंकि आप खुद से अपना एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। फिर जब आप अपने डॉक्टर के पास विजिट करेंगी तो आपके डॉक्टर नीचे एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि कितने टाके खुले हैं।
अगर सिर्फ एक ही स्टिच खुला है, टांका खुला है या टूटा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको दोबारा से टांका नहीं लगाया जाता है। आपको सिर्फ पट्टी करती हैं, उस जगह को साफ करती हैं, पट्टी करके आपको घर भेज देते हैं। लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा टांके खुले हैं, या फिर जो टांका टूटा है या खुला है उसमें अंतर बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको दोबारा से एक स्टिच लगाया जा सकता है, या कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको उस टाइम पर कितने स्टिच लगाए जाएंगे। फिर आपको पट्टी करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं और घर भेज देते हैं। ये सब होने के बाद या ऐसी स्थिति में आपके ये जो टांके हैं, ये लगभग लगभग 3 से 5 हफ्ते लेते हैं पूरी तरह से ठीक होने में। ये पूरी तरह से हील हो जाते हैं। और जानते हैं, जब ये हील हो रहे होंगे, जब ये ठीक हो रहे होंगे, तो आपको इनमें मीठी मीठी सी खुजली महसूस होगी। इससे आपको परेशान नहीं होना है। ये इस बात की निशानी है कि आपके टांके जो हैं वो भर रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। और इस टाइम पर मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि देखो, इस टाइम पर आपको हिम्मत से काम लेना है, आपको परेशान नहीं होना है। इस टाइम पर ये जो ब्लीडिंग है, ये जो दर्द है, ये जो आपको तकलीफ हो रही है, ये मैक्सिमम 4 से 6 हफ्ते तक आपको रहेगी। उसके बाद आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, तो आप एकदम रिलैक्स रहो। ये जो टाइम है, इस टाइम पर आपको हिम्मत से काम लेना है। और स्टिल इस टाइम पर अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या आपको कमज़ोरी ज़्यादा फील हो रही है, तो आप इस सिरप का उपयोग कर सकती हैं। इस सिरप से आपको कमज़ोरी कम महसूस होगी, आपको खून की कमी दूर होगी, आपको खाने का दिल भी करेगा। अगर आपको भूख कम लग रही है, तो ये भूख बढ़ाने में भी हेल्प करती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।